हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, हम लोग का प्रेजेंट टाइम में चैप्टर चल रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसका दो एपिसोड हो गया है और आज उसका तीसरा एपिसोड जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे P100 फिजिक्स। मैं HDP सर, आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे लास्ट में कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, मोनो, डाई और पॉली एंड डीटो मॉलिक्यूल सब कुछ हो चुका है। जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर पॉइंट है हम लोगों का कि व्हाट इज द ए, क्या आपको जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको एग्जाम में आ सकता है, प्रूफ करने के लिए आता है एक लाइन का, और अपने कंपटीशन में IIT और NEET में यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वो क्या है न्यूमेरिकल, चले देखा जाए। अब लिख दीजिए कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। आप पहला लेक्चर पढ़ चुके होंगे, लेक्चर नंबर 2 पढ़ चुके होंगे, और ये आज काइनेटिक थियरी का तीसरा एपिसोड, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ही अच्छी तरह से देखते जाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा उसका। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मैं कहूँ कितना होता है, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल हाउ मच, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। आप इसको दो इक्वेशन आप इसका लिख सकते हैं, कौन कौन, 3/2 KT। अभी आप देखें पीछे सब प्रूफ है। हाँ, जस्ट वीडियो नंबर 2 में काइनेटिक थ्योरी पार्ट 2 में सब कुछ प्रूफ है बेटा, 1, 2 ना, जितना भी है टोटल सब कुछ प्रूफ है। जहाँ तक हो गया है ठीक, मैं उसके आगे शुरू कर रहा हूँ। और आप क्या करिएगा, वीडियो नंबर 1 पहले देखिएगा, फिर वीडियो नंबर 2 देखिए, तब इसको पढ़िएगा। इसके बाद में जो भी नंबर आएंगे मैं सिस्टमेटिक। ओके, और यहाँ पर हम आपको क्या बताने जा रहा हूँ, वंडरवाल इक्वेशन, लिक्वेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, आइडियल गैसेस क्या होती है, उसकी कंडीशंस क्या होते हैं, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, यानी कि आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा देखिएगा, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हुआ, 3/2 KT। अब ये लॉ क्या कहता है, इसका मतलब ये हुआ, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि ½ mvrms का स्क्वायर इक्वल टू 3/2, लिख सकते हैं आराम से। देखिए मास कभी जीरो होता नहीं, तो VRMS क्या होगा, जीरो होगा। ये कह रहा है, शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, यह कि VRMS विल बी जीरो, मीन्स कि VRMS जीरो कब होगा, जब इधर क्या हो, T को हम K कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो T को कितना कर दिया जाए, तो लेट लेट T इक्वल टू जीरो, मीन्स अब ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन क्या शो कर रही है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, यस देखिएगा, एट एब्सोल्यूट जीरो के केल्विन में है, तो एट एब्सोल्यूट जीरो VRMS इक्वल टू जीरो, एंड एंड और क्या, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी E K bar इक्वल टू जीरो। इसी लॉ को कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर बोलते बेटा इसको। क्लियर, मतलब यह हुआ कि एब्सोल्यूट जीरो पर, यानी कि जीरो केल्विन पर, अच्छा अभी थर्मामीटर में पढ़ाऊंगा आपको ना, अभी आएगा तो अभी पढ़ेंगे आप थर्मामीटर पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे आप, तो एब्सोल्यूट जीरो पर, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पर, मीन्स कि जीरो केल्विन पर क्या होता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मान जीरो हो जाता है, VRMS जीरो हो जाता है। तो अब आप कहेंगे कि एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी जिस टेम्परेचर पे जीरो हो जाती है, VRMS जिस टेम्परेचर पर जीरो हो जाता है, उसी को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अब लिख दीजिए कि एट
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या हो जाएगा एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर? वी आर एम एस बराबर जीरो हो गया, और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। अब वो चाहे, अब आप कहेंगे कि ये मोनो के लिए, कि डाई के लिए, कि पॉली के लिए, कि डीटो के लिए, सबके लिए ना, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस, सबके लिए। सवाल है क्यों? क्योंकि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सबका 3/2 के टी ही ना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सबका 3 ही होता है ना। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ना 3 से कम हो सकता है ना 3 से ज़्यादा। तो वो चाहे डाई रहता है तब भी, मोनो रहता है तब भी, पॉली रहता है तब भी। तो अब कैसे डिफाइन करेंगे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को? आप कहेंगे द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल एट विच वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोथ बिकम्स जीरो, दैट टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, चलिए, हाँ नोट करिए फास्ट। इसे कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर बोलते बेटा इसको, इसकी हेडिंग का नाम है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि काइनेटिक बेसिस पे देखा जाए, गतिज ऊर्जा के बेसिस पे देखा जाए, तो हम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? हो गया, नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़िए। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे आज के। हाँ, पूरा चैप्टर जानते हैं सिस्टमैटिक 1/1। हम लोग कहाँ से? जीरो से शुरू करते बेटा। गैस क्या होती है, गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है, जीरो से शुरू किए हैं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कहाँ पहुँचेंगे, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ला पर पहुँचेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बीच में आती है ना, सभी और सब बिल्कुल फिक्स पॉइंट टू पॉइंट, जो भी आपके एग्जाम में आना है लाइन बाई लाइन हम लोग वही पढ़ेंगे। नोट कर लिया, चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं कि वी आर एम एस क्या होता है ना, वी आर एम एस वेलोसिटी क्या होती है। आइए, तो बार बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है यहां से, वो क्वेश्चन क्या है देखिए। अभी हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं, और थ्योरी फिनिश करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे पूरा न्यूमेरिकल, आसान से आसान और टफ से टफ। देखो बेटा, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि वी आर एम एस बराबर, पिछले एपिसोड में पढ़ा गया है वी आर एम एस बराबर क्या होता है। तो जानते हो बेटा क्या होता है, कैसे लिखते हो? वी स्क्वायर मीन ले लेते हो ना, रूट मीन स्क्वायर, क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर, इसी को कहते हैं वी आर एम एस, यानी कि औसत, वर्ग, माध्य ना, या मूल, बेग, ऐसे हिंदी में कुछ बोलते बेटा उसको। तो वी आर एम एस अभी होता कितना है, 3 KT/m होता बेटा। अब जरा देख लो, K बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट है, जिसका मान कितना होता है, K बराबर होता है 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। के बराबर क्या लिखते बेटा आप, के बराबर क्या लिखेंगे, के बराबर लिख सकते हैं ना, क्या के बराबर होता क्या है, कल के एपिसोड में मीन्स के पिछले एपिसोड में हम लोग पढ़े हैं, के बराबर क्या होता, आर अपान एन, एन ए कर दीजिए अवगाद्रो नंबर, यानी तो रहने दो बेटा, क्योंकि हम लोग कैपिटल एन माने हैं अवगाद्रो नंबर, कहीं कहीं एन में ए लगा दिया जाता है। तो ये है हम लोग का, देखें अब के बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, तो यहाँ पर ले दीजिए कि बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट दिस इज द के, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और स्मॉल एम क्या बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ मॉलिक्यूल और मोल समझिएगा अच्छी तरह से ना। मीन्स देखो बेटा, एम है मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल है। अब इसी क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ आर की वैल्यू, चलिए आप वैल्यू निकाल के दिखा दूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। आर बराबर क्या होता है 8.31, अवगाधो का नंबर कितना होता है 6.02 × 10³ हो गया। डिवाइड करेंगे तो कितना पा जाएंगे 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन। ओके, मोल से मोल कैंसिल हो जाता बेटा, जूल पर केल्विन हो गया, क्योंकि यार का मान कितना होता है 8.31। तो बेटा ये समान होता है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, और ये है पर मोल ना, मोल से मोल कैंसिल हो गया। चलो अब आजा देखिएगा, हाँ यह नोट करिए जल्दी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब कुछ न्यूमेरिकल में ही सबकी जरूरत पड़ेगी। हो गया, हो गया बेटा, हटा दें इसको। चलिए हाँ आप हटा दीजिए इसको, ये कांस्टेंट क्या होता है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके बराबर होता है। अब आइए और आगे देखिए, देखो बेटा अब यहाँ पर यह एक मॉलिक्यूल के लिए है ना, या यदि इसी को लिखना चाहें वी आर एम एस को मोल के रूप में लिखना चाहें, क्या मीन्स कि यहाँ पे आर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 3RT / क्या कैपिटल एम। के स्थान पे कितना हो जाएगा बेटा आर बाई कैपिटल एन, लिखते ये दिखा दूँ यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं ना 3 के स्थान पे क्या लिखूँ RT / N, और ये M पहले से था, ये M पहले से था, इसका मतलब क्या शो कर रहा है देखो बेटा, ये बराबर किसके हुआ तो N × M बराबर M। N क्या है अवगाध्रो का नंबर, ध्यान देना बेटा। M क्या है मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट, तो ये बेटा मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या है मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, और ये क्या बेटा अवगाध्रो नंबर। हो गया अवगाध्रो नंबर, इसका मतलब ये हुआ केमिस्ट्री में एक चैप्टर होगा मोल कंसेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है मोल कंसेप्ट, यदि ठीक से पढ़े होंगे तो ये चीज़ें सब आप समझ रहे होंगे आसानी से ना, नहीं समझ रहे कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं यहाँ बताता हूँ सारी चीज़ें ना, वो भी मैं आपको बताऊँगा सब कुछ, बहुत सारी केमिस्ट्री की चीज़ें भी ये फिजिकल केमिस्ट्री की हैं जो मैं आपको बताऊँगा। चलो बेटा देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, तो एन अवगाध्रो का नंबर, यानी कि अवगाध्रो एक मॉलिक्यूल के मास से अवगाध्रो की नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट बन जाता है, क्या बन गया मॉलिक्यूलर वेट बन गया। ठीक बेटा, कार्बन क्या, कार्बन 12 तो कार्बन 12 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट 12 है, 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उसी को एक मोल कहते हैं। एक मोल क्या हुआ बेटा, एक मोल, व्हाट इज द वन मोल, मींस द कार्बन 12 नंबर ऑफ द एटम्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 इज नोन एज वन मोल। और अवगाध्रो ने उसको कितना निकाला कितना उसको, कि ये वैल्यू होती है 6.02 × 10³ इतने मॉलिक्यूल्स या आइटम्स इतने होते हैं, मोनोटॉमिक है तो आइटम बोलेंगे, डायटॉमिक पॉलीटॉमिक है तो मॉलिक्यूल बोलेंगे बेटा। ओके, तो इसे कहते हैं वन मोल। ठीक, चलो बेटा देखो, तो अवगाध्रो के नंबर से मल्टीप्लाई किया किस में, एक मॉलिक्यूल का, यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो मास हो उससे, मोनोटॉमिक है तो आइटम बोलेंगे, तो मल्टीप्लाई किया क्या निकला मॉलिक्यूलर वेट। हो गया बेटा, तो अब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी ले सकते हैं, वी आर एम एस ऐसे भी ले सकते हैं।
पक्का फर्स्ट क्लास, क्या पढ़ना है? P100 फिजिक्स। ओके बेटा, चलो स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझिए सारी चीज़ों को, या स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को बेटा लोग क्या करते हैं, मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि दो महीना तीन महीना ना दो दो महीना खाली वेक्टर पढ़ाते हैं। हाँ, अब किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बच्चों बताते हैं जो बेटा दो महीना वेक्टर पढ़ाते रहे, दो महीना वेक्टर पढ़ाए, और देखे होंगे कि नीट 2022 में एक भी क्वेश्चन वेक्टर का नहीं आया। जो टफ चीज़ें होती हैं वहाँ, जैसे अभी ये सबसे गैसियस स्टेट दो महीना नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ से दो क्वेश्चन फिक्स है और नहीं पढ़ाएंगे, उसको दो दिन में फिनिश करेंगे। क्यों? पढ़ाना टफ है। पढ़ाना कब टफ है बेटा, ठीक है? अब ऐसे हीट एंड पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनामिक्स, ये सब टफ है, अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक ठाक न्यूमेरिकल आते बेटा, गैसियस स्टेट से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको लोग दो दिन में फिनिश करते हैं, और वेक्टर दो महीना पढ़ाते हैं। रे डायग्राम ना, इंटरफेरेंस चैप्टर जब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे बेटा, अभी मैं शुरू करूँगा ऑप्टिक्स, तो बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ ऑप्टिक्स बेटा। तो ऑप्टिक्स जब पढ़ाएंगे लोग, तो रेज वाला जो पोर्शन है ना बेटा, रिफ्लेक्शन मिरर, उसको पूरा एक महीना दो महीना पढ़ाएंगे। लेकिन जब इंटरफेरेंस आएगा, जहाँ पर फ्रिंजेज आएंगी, जहाँ पर न्यूटन्स रिंग आएगा ना, जहाँ पर इंटरफेरेंस आएगा, पोलराइजेशन होगा, जहाँ डिफ्रेक्शन आएगा, डिफ्रेक्शन तो एक दिन में डिफ्यूज कर देते हैं लोग, डिफ्रेक्शन विवर्तन टेक्निकल चैप्टर बेटा, तो वहाँ लोग एक दो दिन में फिनिश करते हैं, और उसको सबसे बाद में पढ़ाते हैं, ताकि जल्दी से निपटा के किनारे कर देंगे, इसीलिए बच्चों का अच्छा नंबर नहीं मिलता। हाँ, कुछ लकी बच्चे होते हैं, अच्छे स्टूडेंट अच्छे टीचर के पास मिल जाते हैं, तो हाँ उनको सारे चैप्टर पे अच्छा कमांड होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से निकाल देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बात समझो बेटा, रीजन ये बता फिर आप ओके कमांड पॉइंट हलो जहाँ पर है वहाँ पे चलते बेटा। यहाँ पे आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सभी चैप्टर्स एक जैसे मिलेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे फिजिक्स में। आपको आप चाहे IIT के हो, चाहे नीट के हो बेटा, चाहे बोर्ड के हो, सब कुछ आपको पूरा ना जबरदस्त मिलने वाला है यहाँ पे। ओके बेटा, चलो आ जाओ। हो गया बेटा, देखो अब यहाँ पे मेन बात क्या रही है, तो VRMS को हम ऐसे भी ले सकते हैं, और VRMS को हम ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों हमारे पास दो इक्वेशन मेन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब आइए, आपको एग्जाम में जो बार बार पूछता है वो क्या चीज़ है, अब जब जानते होंगे। अभी मैं ये बेटा वेव नहीं पढ़ाया हूँ, वेव का नंबर आने वाला है। वेव में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो चुका है आज के डेट में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो चुका है बेटा। अब यहाँ पर वेव साउंड हमको शुरू करना है, तो साउंड में शुरू करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, हाँ और एक चीज़ और भी बता दें बेटा, सेकेंड ईयर के बच्चों का सेकेंड ईयर पार्ट सेकेंड पूरा फिनिश हो गया है। अब उसमें जो इस समय प्रेजेंट आए बच्चों का एग्जाम आने वाला है, तो अब उसमें नए क्वेश्चंस ना पूरा पूरा सेकेंड पार्ट में हर चैप्टर का आने वाला है। हाँ ओके कम ऑन, देखो बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड बेटा? वी साउंड बराबर क्या होता है जानते हैं, ये होता है गामा RT ना बेटा, गामा RT अपान एम, गामा RT अपान एम, ये फार्मूला होता है वी साउंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड का फार्मूला बेटा गामा RT बाई एम। या एक और फार्मूला होता है इसका, कौन सा? वी साउंड बराबर होता है बेटा अंडर रूट क्या, गामा पी अपान डेंसिटी डी। हाँ नोट कर, दोनों फार्मूला नोट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड ओके, ये भी होता है और ये भी, दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, कर लिया। अब आपके एग्जाम में यहाँ से पूछता क्या है, इसका अपान इसका रेशियो आपसे बार बार पूछता है एग्जाम में, आइए ठीक है। तो अब देखिए निकाल लीजिए जो रिजल्ट अब बार बार पूछता है एग्जाम में, अब उसको पहले तो तुरंत ही सॉल्व कर लीजिए। इसका रेशियो पूछता है, चलिए देखिए। अब मैं कहूँ आपसे कि VRMS ना, या वी साउंड ले लो, तो देखो वी साउंड अपान VRMS निकालने का तरीका से क्या रहा बेटा, यहाँ पे वी साउंड देख रहे हैं कितना होता है, ये वाला ले लीजिए RT वाला, तो अंडर रूट गामा RT अपान एम हो गया, गामा RT अपान एम, और अपान 3 RT
अपॉन अंडर रूट कर दीजिए 3RT अपॉन m, यहाँ भी है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ सॉल्व कर दीजिए, हाँ सॉल्व कर लीजिए इसको, तो V साउंड अपॉन V आर एम एस इक्वल टू रूट एम से रूट एम कैंसिल हुआ, आर टी कैंसिल हुआ, अंडर रूट ऊपर है गामा, यहाँ है 3, दिस इज द आंसर गामा अपॉन 3। ओके, ये हम लोगों को प्रूफ करना था, या आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ देखिए याद करिए अभी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का आंसर बेटा ये। अब देखिए आपको यदि बताना है वी साउंड, तो आप देख सकते हैं वी साउंड बराबर अंडर रूट गामा बाई 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या वी साउंड बेटा वी आर एम एस। देख सकते हैं, हाँ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ चुका है, हो गया। चलिए अब यहाँ पे बातें बतानी थी, हाँ अब आइए, अब हम लोग चलते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। जानते हैं कि यहाँ पर 3 वेलोसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। नंबर वन कौन सा, वेलोसिटी ऑफ वी आर एम एस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दूसरी कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और तीसरी कौन होती है, एवरेज वेलोसिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 बातें बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है ये सब। हाँ तो अब वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी आर एम एस क्या होता है, वी एवरेज क्या होता है, ये आता कहाँ से है, चलिए देखते हैं। हाँ अब आ जाइए लिखिएगा कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेटा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड। तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द स्पीड या मैक्सवेल्स लॉ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड। चलो बेटा ये होता क्या है, तो स्कॉटलैंड का साइंटिस्ट है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लर्क मैक्सवेल स्कॉटलैंड का साइंटिस्ट होता है, तो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ना क्या एन वी बेटा एन वी इंटू डी वी। मैं बता रहा हूँ अभी ये होता क्या है, घबराइएगा मत देख करके, इक्वल टू 4 pi एन एम अपॉन 2 pi ना 2 pi के टी वी स्क्वायर ना इंटू ई टू द पावर माइनस एम अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन के टी इंटू डी वी। ओके, ये है मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। माइंड ध्यान दीजिए, जैसे सपोज करिए यह कोई एक बेटा सपोज करिए कि यह कोई एक हाँ ध्यान देना बेटा, जैसे सपोज करिए यह कोई एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं ना, बहुत सारी गैसेस है, इसमें बहुत सारी गैसेस है ठीक, और हाँ बहुत सारी गैसेस इसमें हैं, और टेम्परेचर इसका है टी,
तो जानते हैं कि मैं पहले आपको बताया था जब हम लोग प्रेशर अभी प्रूफ कर रहे थे कि कंटेनर की वाल पर गैसेस प्रेशर क्यों लगाती है। तो इसका आंसर क्या था कि गैसेस, हर गैस मॉलिक्यूल के पास लीनियर मोमेंटम होता है, होता है। जो गैसियस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सवेल्स इक्वेशन, वह गैस मॉलिक्यूल सभी दिशाओं में जाने के लिए बिल्कुल ही फ्री होता है और कोई भी वेलोसिटी फॉलो करने के लिए भी बिल्कुल फ्री होता है। मीन्स कि उसकी वेलोसिटी जीरो जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होती है। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं होगा तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी और उसकी वी आर एम एस वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स हमेशा 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 ना हमेशा मोशन में होता है। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल एट ए पार्टिकुलर टाइम, किसी विशेष समय पर यदि हम वेलोसिटी देखें तो कुछ होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी, कुछ होंगे जिनकी वेलोसिटी बिल्कुल कम होगी, कुछ होंगे जिनकी वेलोसिटी इंटरमीडिएट होगी, दोनों के बीच में होगी। तो हर मॉलिक्यूल डिफरेंट, यानी कि गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है और डिफरेंट डायरेक्शन में वो इक्वल प्रोबेबिलिटी से मूव करने की क्षमता उसकी होती है। कोई भी गैस मॉलिक्यूल किसी भी दिशा में किसी भी वेलोसिटी से जा सकता है, यानी कि वेलोसिटी को फॉलो करने की स्पीड, यानी कि वेलोसिटी को फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी सभी मॉलिक्यूल की बराबर होती है। हर मॉलिक्यूल हर वेलोसिटी को प्राप्त कर सकता है, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इक्वल प्रोबेबिलिटी सभी मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, यही मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ है। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, एक कंटेनर में गैस भरी हुई है और मैं यह कहूं कि यह थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में सेंस क्या हुआ कि यानी कि पूरा का पूरा वह मतलब वह थर्मली जो थर्मली भी उसमें है इक्विलिब्रियम में है, यानी कि थर्मोडायनामिकली वह पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ऐसे समय पर वेलोसिटी जीरो होती है, यानी कि ऐसे समय पर वेलोसिटी जीरो होती है। मीन्स कि जब तक किसी भी चीज़ में यानी कि किसी भी थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट में डिफरेंस नहीं होगा तब तक वेलोसिटी नहीं होगी। तो फिलहाल अभी इस टॉपिक पे मत जाइए, ये बाद में बताऊंगा। अभी केवल बस इतना जो अभी बोला क्या कि किसी भी गैसियस कंटेनर के अंदर सभी मॉलिक्यूल्स के पास एक क्षमता होती है कि वह कोई भी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में प्राप्त कर सकता है। अब यदि इसके अकॉर्डिंग ग्राफ खींचा जाए, अब जरा देखिएगा ये क्या है। अभी देखने में लग रहा है कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैक्सवेल का यह इक्वेशन है। अब यह इसी का ग्राफ खींचता मैक्सवेल कैसे देखेगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाना। अभी देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये ग्राफ है, मैक्सवेल्स ग्राफ हटाइए। यदि ग्राफ खींचा जाए, इस पर क्या लिया, इस पर लिया एन वी। एन वी मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी वी है, और यदि ये ग्राफ प्लॉट किया है तो ग्राफ का शेप कैसा आएगा। देखिए तो और यहां पर हम लोग क्या लिए हैं, यहां पर लिए है वेलोसिटी, यहां पर लिए बेटा वेलोसिटी। अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, देखो बेटा ग्राफ कैसा आएगा। एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके, एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होते हैं, वे कर्व जो इनफाइनाइट पर जाकर के इस एक्स एक्सिस पर मिलते हैं उसे एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में यानी कि वे कर्व जो कभी पूरा नहीं होते, इनफाइनाइट समय लेते हैं कंप्लीट होने में ना, यहाँ आके मिलने में ये इनफाइनाइट को जा रहा है ना,
तो उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ओके, मैथमेटिकल वर्ड है ना, मैथ करो, आईआईटी वाले बच्चे ठीक से समझ रहे होंगे। ओके, देखो अब जो देखिएगा, हो गया, चलो हाँ ठीक है, चलो बेटा अब जरा देखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यह एक वेलोसिटी दिखाई दे रही है, ये वेलोसिटी है ना, देखिए यहाँ पर एक वेलोसिटी दिखाई दे रही है ना, एक वेलोसिटी दिखाई दे रही है, और यह टी कांस्टेंट है इसका, टी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि यह क्या हुआ, आइसोथर्मल कर्व हुआ, आइसोथर्मल कर्व हुआ ना। अब देखो ये क्या, अब देख रहे हैं कि यह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे ज्यादा यहां पर देखिए पी क्या है, यहां मिलाइए, इसको मिला दिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस वेलोसिटी को फॉलो कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस वेलोसिटी को फॉलो कर रहे हैं, और टेम्परेचर क्या बना हुआ है, कांस्टेंट, देख रहे हैं ना, यह एक कंटेनर है, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसमें वेलोसिटी जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच ग्राफ खींचूं तो कैसा आएगा, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, तो एन वी क्या बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पे क्या है वेलोसिटी, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी आप देख रहे हैं ना, इस पर ये वाली वेलोसिटी, इसको कहते हैं ना क्या, देखो बेटा यहाँ पे लिखिए वी और एम और पी लिख दीजिए, यानी ऐसे ऐसे वी एम पी, मतलब क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, देखिए यही वह वेलोसिटी है, मीन्स कि क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यही वह वेलोसिटी है जिसको सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने फॉलो किया हुआ है, जैसे इस समय सोशल मीडिया का जमाना है तो किसी के फॉलोअर कितने हैं जानते ही हो, हीरो हीरोइन के फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, है कि नहीं, पीएम प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो किसी के फॉलोअर्स कितने हैं, तो जिसके फॉलोअर्स जितने ज़्यादा हुआ उसी को कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो गई, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो गई, वह जिसको सबसे ज़्यादा आइटम किसी भी समय फॉलो करते हो उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ओके माइंड हियर। अब ये क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, दिस इज द मैक्सवेल्स इक्वेशन, इसको प्रूफ नहीं करना आपको, यह प्रूफ इसका बीएससी थर्ड ईयर एमएससी में है, इसको जरूरत नहीं है, यह तो मैं यह बताया हूँ कि इसी के बेसिस पर सब निकाला गया है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालना है, इसी को प्रूफ करने, इसी को सॉल्व करने से आएगा क्या किया जाए। अब इस इक्वेशन को अब यदि इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया जाए और डिफ्रेंशिएट करके बराबर जीरो कर दिया जाए तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन आप या तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, सेकेंड ईयर का नहीं, क्लास फर्स्ट ईयर का है बेटा, या आईआईटी के होंगे, या नीट के होंगे, आईआईटी मेंस के होंगे, या तो आईआईटी एडवांस के होंगे, तो आपके लिए यह इसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपके सिलेबस में है, वो पूछता है, लेकिन ये नहीं पूछता है कि प्रूफ करके दिखाओ ना, ये एमएससी और बीएससी थर्ड ईयर का बेटा, तो लेकिन अब इसका ये हमको, अब यदि मैं कहूँ कि ये निकलेगा कैसे, निकाला जाए यदि इसको तो क्या करना होगा, तो इसको निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, और डिफ्रेंशिएट करके डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन एंड इक्वेटिंग इक्वल टू जीरो, डिफ्रेंशिएट करूँ और बराबर जीरो कर दूँ तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी, और बाई ग्राफ में कहाँ पर है देख रहे हैं, ग्राफ में कहाँ पर बेटा देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी होती है, तो किसी भी गैसियस
स्टेट में, यानी किसी भी कंटेनर में टेम्परेचर कांस्टेंट, किसी भी टेम्परेचर पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पर, वह वेलोसिटी जिसको मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स फॉलो कर रहे होते हैं उसी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन को यदि डिफ्रेंशिएट किया जाए और डिफ्रेंशिएशन के बाद जो आवे बराबर जीरो कर दिया जाए तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि जो वेलोसिटी निकल कर आएगी उसकी ही वैल्यू ही कहलाएगी क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। माइंड है, नोट कर बेटा क्या है यह, अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लर्क मैक्सवेल स्कॉटलैंड का साइंटिस्ट था बेटा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द स्पीड। क्लियर हो गया? अब इसकी वेलोसिटी भी होता है यहाँ, तो स्पीड जब हम लिखेंगे तब क्या वेलोसिटी लिखेंगे, तब क्या, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। हो गया, हो बेटा? हाँ, ग्राफ अच्छी तरह से बना लीजिए। हाँ, फर्स्ट क्लास ग्राफ बेटा अच्छी तरह से बना लीजिए। एक्स एक्सिस पर क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी, वाई पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सी वेलोसिटी देख रहे हैं, देख रहे हैं कौन सी वेलोसिटी मैक्सिमम है, यही वेलोसिटी मैक्सिमम, यही वेलोसिटी, वह वेलोसिटी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है डॉट पॉइंट पर, यह वेलोसिटी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के द्वारा फॉलो की गई है, इसलिए कहते हैं इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। बन गया, आइए और अब सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा। हाँ, हटा दो बेटा आप इसको। हाँ, अब क्या मिलेगा बेटा, अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग, अब एक लाइन लिख दीजिए आगे कि डिफरेंशिएटिंग ना, डिफरेंशिएटिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड इक्वेटिंग इक्वल टू जीरो, थोड़ा ये सब प्रूफ बहुत बड़ा है और आपके लेवल पे नहीं है ना, तो क्या मिलेगा, वी एम पी इक्वल टू अंडर रूट क्या, टू के टी वाई एम, फैंटास्टिक। माइंड हियर, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एम इज द मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। अब इसको बदल दीजिए, किस में बदल दीजिए, अब बदल दीजिए इसको आर में, गैस कांस्टेंट के फॉर्म में। देखिए वी एम पी बराबर कितना बेटा, टू, हाँ बोलिए कैसे बनेंगे, के बराबर आर अपान एन होता है ना, एन अब पहले से एम है, इसको कहते हो, हाँ इसको कहते हो बेटा कैपिटल एम बोलते हो, तो वी एम पी बराबर कितना हुआ, अंडर रूट कितना, टू आर टी अपान व्हाट, कैपिटल एम। तो दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये क्या मिल गया आपको, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिलेगा बेटा ये। अब हाँ हो गया, चलिए अब जब देखिए बेटा, यदि हम लोग वी आर एम एस अपॉन वी एम पी की वैल्यू निकाले तो क्या मिलेगा, वी आर एम एस थ्री आर टी अपॉन एम हो गया, अपॉन वी एम पी अंडर रूट टू आर टी अपॉन एम हो गया, आर टी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, मिला क्या, वी आर एम एस अंडर रूट थ्री बाई टू, अंडर रूट थ्री बाई टू अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आएगी बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ यदि ऐसे निकाल दिया जाए, ऐसे रहने दिया जाए, या नहीं तो ऐसे कर दिया जाए कि वी एम पी, यदि वी एम पी
बराबर देखूँ क्या हो जाए, तो आ जाएगा क्या वी आर एम एस इंटू टू बाई सो मच हो जाएगा ना, वी एम पी बराबर कितना होगा बेटा देखो, तो आ गया 2/3 इंटू वी आर एम एस ओके बराबर कितना आया 0.816 और क्या वी आर एम एस 0.816 वी आर एम एस ओके फैंटास्टिक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ना, देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये ठीक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद हो गया ये बेटा दो लाइनें। तो क्या होता है क्या होता है, है? क्या पढ़ा बेटा क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहाँ से आया कैसे प्राप्त हुआ होता क्या क्या क्यों कैसे हो गया। आ जाओ और आगे बढ़िए। हाँ तो वी आर एम एस तो हो चुका था, अभी एम पी हो गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गया। अब आगे बढ़ते बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अब यही जो इक्वेशन मिला हुआ है मैक्सवेल इक्वेशन से ही सब कुछ निकला हुआ है, तो वही मैक्सवेल इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या था बेटा फिर से लिख दो तो एन वी डी वी इक्वल टू 4πn और क्या m अपॉन 2kT v स्क्वायर e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन kT इंटू क्या डी वी। दिस इज द मैक्सवेल्स इक्वेशन बेटा, दिस इज द मैक्सवेल्स इक्वेशन, n इज द टोटल नंबर्स, ध्यान देना बेटा यहाँ पे n इज द टोटल नंबर्स हो गया। आओ देखो जरा इसको प्रूफ, बस मैक्सवेल इक्वेशन का होता क्या है क्योंकि बार बार उसका नाम आ रहा है तो मैं कल बता देता बेटा कि ये होता है मैक्सवेल इक्वेशन। चलो अब जब देखिएगा, या आपको कोई याद करने बहुत जरूरी नहीं है आपके लेवल पे, आईआईटी एडवांस के बच्चों के लिए थोड़ी सी जरूरत है, बाकी मेंस के लिए और नीट के लिए जरूरी नहीं बेटा। हाँ चलो अब देखो, लेकिन अब जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या अब आपसे पूछेगा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी मीन्स ऐसे बार लगा देंगे या ऐसे लीजिए भी एवरेज ले लीजिए, ये क्या होता है अब यहाँ देखो बेटी, अभी देखा हम लोगों ने कि मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है और रूट मीन स्क्वायर क्या होता है वो भी देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि मीन वेलोसिटी क्या होती है, मीन का मतलब क्या हुआ, कंटेनर वही है अभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट है और बहुत सारे उसमें मॉलिक्यूल्स हैं ना, बहुत सारे एक मोल भी गैस ले लिया जाए तो 6.02 इंटू 10 पावर कितना 23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं एक मोल में, अवगाद्रो की संख्या के बराबर, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं और वो सब मॉलिक्यूल जिग जैग मोशन कर रहे हैं, सब एट रैंडम मोशन कर रहे हैं इधर उधर, सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, सब सभी दिशा में जाने को स्वतंत्र हैं और सब सभी वेलोसिटी को फॉलो करने के लिए भी क्या है स्वतंत्र हैं सब के सब ओके। अब जरा देखिए बेटा इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ, यदि सबका मीन ले लिया जाए, सभी वेलोसिटी बहुत सारी वेलोसिटी होंगी ना, किसी का 1 मीटर पर सेकंड, किसी का 2 मीटर पर सेकंड, किसी का 50 मीटर पर सेकंड, किसी का 1000 मीटर पर सेकंड, किसी का 200 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए सपोज करिए, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मीन ले लूँ वेलोसिटी, सबका मीन ले लिया जाए है कि नहीं, और सबका मीन ले तो जो आएगा वही मीन वेलोसिटी का लाएगा। अब लेकिन मैक्सवेल ने कैसे प्रूव किया उसको, तो अब इसी बात को मैक्सवेल कैसे प्रूव किया देखो बेटा, वी मीन बराबर है, ये प्रूव कैसे किया देखो, जो इक्वेशन हम लोग कह रहे हैं यहाँ से
तो ये क्या किया, 1/n मीन टोटल नंबर, मान लीजिए एक मोल गैस यदि है हमारी, तो ये n हो गया, टोटल नंबर n के बराबर हो गया, हो गया। अब जानते ही हैं, सम करते हैं, i इक्वल टू 1 से क्या, i इक्वल टू n तक, i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n तक, किसके लिए, n n n क्या, i ना v और क्या dv। ओके, अब ये है, दिस इज द एवरेज वैल्यू, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी कहते हैं बेटा। अभी मैं सिंपल फॉर्म में भी इसको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आसान वाली भाषा में ना। अब यदि इसको यह वैल्यू यदि इसकी ले निकाली जाए और सॉल्व की जाए, तो ये वैल्यू कितनी आती है बेटा, वी एवरेज बराबर आया कितना, अंडर रूट क्या 8 KT बाई स्मॉल एम पाई। ओके, इतना सॉल्व करने के बाद ये पूरा सॉल्व कर दिया जाए तो ये वैल्यू आएगी, हाँ ये वैल्यू आएगी निकल कर। आपको सॉल्व नहीं करना है बेटा, आपके लेवल पे सॉल्व नहीं है। ओके देखो बेटा, ये आएगी। अच्छा अब फिर वही बात, आर के फार्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखो बेटा आर के फार्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, वी बार बराबर हुआ कितना है, अंडर रूट, देखो बेटा यहाँ पे 8 RT/πm हो गया बेटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द फैंटास्टिक वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अब यह एक मॉलिक्यूल का, जब एक मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी कहा जाए तब देखो यहाँ पे, और जब यह एक मोल का कहा जाएगा तब यह एक मोल मोल रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, यहां आर बन जाएगा। तो ये है ना, ये है हम लोगों के पास। तो मैं जो बताया अभी कि तीन वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीन वेलोसिटी हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआरएमएस मोस्ट प्रोबेबल, वीआरएमएस मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज। अब जा देखो बेटा, तो तीनों रिजल्ट आपके सामने है, तीनों रिजल्ट आपके सामने है, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, बार बार आपके एग्जाम में लाइन पूछता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। हाँ आप तब तक सोचिए, हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए, पूरा रिजल्ट नोट कर लीजिए, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, ऑर्डर बनाइए इनका। चलिए मैं बना रहा हूँ बेटा, हाँ अपना बना लो, तब तक अपना ऑर्डर बनाइए, सबसे बड़ा पहले, सबसे बड़ा लिखिए फिर उसके बाद लिखिए और फिर उसके बाद का लिखिए, तीनों वेलोसिटी का ऑर्डर बनाइए। तीनों वेलोसिटी का ऑर्डर बना दीजिए, हो गया। चलिए अब जा देखिएगा, हाँ पहले हम लोग क्या पाए हैं, वी आर एम एस पाए, कितना 3 RT/m, या इसी को और किसके बराबर था, या 3 KT/m डाल दीजिएगा, पहला हो गया। दो नंबर पे आ जाइए, वी एवरेज ले लीजिए, वो कितना था भाई 8 RT/πM, या 8 KT/πm, चाहे ये वाला लीजिए चाहे वाला लीजिए। नंबर तीन पे आ जाइए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बराबर कितना है, अंडर रूट 2 RT/πm, या सॉरी हट 2 RT/πm केवल इसमें यम होता ना बेटा, और या कितना 2 KT/2 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 क्या स्मॉल m। तो ये है, अब आप देखिए कौन सबसे बड़ा, फिर कौन, तो जो सबसे बड़ा है वह ये, फिर यह और फिर यह, मीन्स ऑर्डर, इनका ऑर्डर लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, वी आर एम एस ग्रेटर देन वी एवरेज, और फिर कौन
VMP. ओके फैंटास्टिक. तो ये है ऑर्डर इनका, हो गया. ये ऑर्डर मीन्स एक बार और लिख दूं, VRMS सबसे बड़ा, वी मीन उसके बाद एवरेज, फिर कौन, VMP. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, हो गया, कहाँ से आया, कैसे पता चला? अरे भाई वेरी सिंपल, देखिए RTYM सब में है, सब में है. RTYM सबका हटा दीजिए, तो यहाँ पर जब डिवीजन करिए, कंपेयर करिए, यहाँ पर आएगा 3. देखिए यहाँ पर क्या रहा है, RTYM सबका हटा दीजिए, कॉमन है. यहाँ पर किना रहा 3, यहाँ पर किना रहा 8/π. अब पाई बराबर कितना है, 3.14, पाई का मान तो 3.14 बेटा, 3.14, 3 से डिवीजन कर रहे हैं तो ऊपर है 3, यहाँ पर देख रहे हैं ना, 3.14 डिवीजन कर दीजिए, 1 से भी कम आ रहा है ना, और वहाँ है 3 और यहाँ 1 से कम. अब यहाँ देखिए, यहाँ है 2, देख रहे हैं, यहाँ है 2, तो यहाँ पर कितना आया बेटा, ये 3 RTYM, 8 RTYM π, और ये कितना हो गया, 2 RTYM. तो दिस विल बी ऑर्डर, मीन सबसे जो छोटी वेलोसिटी है वो कौन सी है, तो सबसे जो छोटी वेलोसिटी बेटा वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ओके चलिए अगला पॉइंट. हाँ बेटा, हो गया, चलो और आगे बढ़ाइए, नोट कर लिया सब लोग. हो गया बेटा, आ जाओ. हाँ हाँ बेटा, क्लियर हो गया ना यहाँ पे पॉइंट. तो सबसे बड़ा VRMS, फिर V एवरेज, और फिर भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. यहाँ पर क्या बेटा, अंडर रूट 3, यहाँ पर क्या है, रूट में 8/π, यहाँ पर क्या है 2. यहाँ पर जब डिवीजन करेंगे तो यह 3.14 है, तो 2 से तो ज़्यादा आएगा ही, और 3 से कम आएगा, आएगा ना, 2 से ज़्यादा और 3 से कम, यानी क्या हुआ कि ये सबसे बड़ा, फिर यह और फिर यह, ये 2 है. और यहाँ 2 से जब डिवीजन करेंगे, 8/π करेंगे, 2 से ज़्यादा आएगा, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. हाँ ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा बेटा, नोट कर लीजिए ऑर्डर को, कर लिया, और आगे आ जाइए. अब और आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट. अब है पॉइंट हम लोगों का, कि अभी हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन में एक ग्राफ खींचे हैं हम लोग, और एक ही टेम्परेचर लिए है ना, एक ही टेम्परेचर लिए है ना. अब यहाँ पे यदि आपको डीप क्वेश्चन थोड़ा पूछे, तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा. आइए जा देखा जाए क्या बनेगा. हाँ लिख दीजिएगा, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड क्या है. आइए देखिए, अब जा देखिएगा बेटा, अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था उसमें लेफ्ट हैंड में था NV dV, वो क्या था, यहाँ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था ना, NV था. यह ग्राफ कैसे था, दिस वॉज द ग्राफ, ये था वेलोसिटी, वेलोसिटी वी था बेटा, था. अच्छा इसी को हम लोग क्या बोले थे अभी, इसे यही क्या था, वी
एमपी था, क्यों? क्योंकि इसी बिलास्टिक को मैक्सिमम मालिक्यूल्स फॉलो करो, इसलिए यह भी एमपी था। और ये था टी वन, कोई नाम दे दिया जाए इसको बेटा, ये था टी वन, ये या ऐसे कर दें केवल टी रहने दीजिए, ये था टी। और टी क्या है? टी कांस्टेंट है ना, देखिए टी कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यदि टी की मान को बढ़ाया जाए, हाँ चलो एक बात और समझा दें यहाँ पे, अब क्या किया जाए, छोटा सा एक एलिमेंट लिया जाए, देखिएगा ये इतना लिया जाए, इसमें मैं यदि मॉलिक्यूल्स की संख्या आपसे पूछूं कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो आप क्या कहेंगे, देखिएगा ये NV है और ये पार्ट बेटा, यह पार्ट कितना है DV, ये इतना है ना, ये DV एलिमेंट ले लिया जाए। यदि यहाँ पर वेलोसिटी हो V तो ये वेलोसिटी हो जाएगी V प्लस DV हो जाएगा ना। तो यही जो देखिए, अब मैं कहूँ कि इसकी एरिया क्या बता रहा है, एरिया बराबर dy into dx, तो n n v into dv, तो क्या आया एन वी, यह एरिया बता रहा है बेटा। अभी क्या बता रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन दिस साइट इन दिस एरिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस, ओके व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टोटल मतलब एलिमेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, देखो एलिमेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस टेम्परेचर पर, तो इसी को हम लोग लिखे थे एन वी डी वी। लेकिन बस यहीं तक आपको सीखना बेटा, यहाँ से आगे नहीं है ना, बस यहीं तक हो गया। अब जब देखिएगा, अब आपसे क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएं तो यह ग्राफ कैसे चेंज होगा, बस अब ये आपका क्वेश्चन है, आ जाइए। अब इसको मैं यहाँ से हटा दूँ बेटा, यहाँ ग्राफ बनाना है, हाँ नोट कर लिए, नोट करिए तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू नोट कर लीजिए। अब हाँ इस एरिया को बेटा मैं यहाँ लिख दूँ, एरिया एरिया बराबर कितना हो गया एन वी डी वी, क्या बता रहा है यह टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन एलिमेंट, यानी कि जो ये एलिमेंट लिया गया बेटा शेडेड पोर्शन जो लिया है ना इसमें, आ जाओ लेट अ टेम्परेचर चेंजेज देन व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। अब टेम्परेचर बदल दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर बढ़ाइए टेम्परेचर इसका, देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, ओके चलिए देखिए अगला टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो फिर ओके देखिए वेलोसिटी, हाँ अब है क्वेश्चन आपके पास, यहाँ जानते हैं क्या है एन वी नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये सब पता ही है बेटा। देखो अब ये टेम्परेचर था पहला वाला, नाम दिया टी वन, इसको नाम दिया टी टू, इसको नाम दिया टी थ्री, तीन है। पहले वाले का जो वी एम पी है यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये दूसरे वाले का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये तीसरे वाले का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, देख रहे हैं वी एम पी वन वी एम पी टू ए वी एम पी थ्री। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन से सबसे ज़्यादा है, देख रहे हैं ये वी एम पी थ्री, देखिए वी एम पी थ्री ग्रेटर देन वी एम पी क्या टू ग्रेटर देन वी एम पी वन, तो ये क्या शो कर रहा है, सवाल यह बेटा कि ये क्या शो कर रहा है ना, हाँ
ए दिख रहा है ना बेटा, आओ मिटा के फिर से लिख दो बेटा इसको। चले कहीं और लेते हैं, आ जाइए। हाँ देखो ना अब ये क्या शो कर रहा, देखिएगा वी एम पी थ्री ग्रेटर देन वी एम पी टू ग्रेटर देन वी एम पी वन, ये क्या शो कर रहा है? हाँ अब बताइए, अब आप बताइए कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा। ये टी वन है, टी टू है, टी थ्री है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? चार ऑप्शन दे दिया जाए, टी वन ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी थ्री, दूसरा ऑप्शन टी टू ग्रेटर देन टी वन ग्रेटर देन टी थ्री, तीसरा ऑप्शन टी थ्री ग्रेटर देन टी वन ग्रेटर देन टी टू, चौथा ऑप्शन टी थ्री ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी वन। मारी नहीं सर, जो अच्छा लगे, साफ साफ दिख रहा है। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो आपको इक्वेशन मिला था, फार्मूला मिला था, वी एम पी अंडर रूट टू आर टी अपन एम, आर एंड एम बोथ आर कॉन्स्टेंट, तो वी एम पी, वी एम पी सिंस वी एम पी राइट प्रोपोर्शनल टू टी सिंस, अब कैसे बताएंगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस कंपटीशन के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए ना, ये पोर्शन आईटी एडवांस के लिए, केवल आईटी एडवांस के लिए, हाँ मेंस में भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है, टफ नहीं है बेटा, नीट में भी आ सकता है, कोई टफ नहीं है। ओके अब जा देखिए आगे बढ़ा जाए, तो सिंस यू नो दैट वी एम पी इक्वल टू अंडर रूट टू आर टी अपने, जानते हैं ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इट इम्प्लाइज दैट वी एम पी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, अनुक्रमानुपाती होता है, तो जब वी एम पी टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है, और यहां दिख रहा है कि वी एम पी थ्री सबसे ज्यादा है, देख रहे हैं? दिख रहा है कि ये सबसे ज्यादा है, इसका मतलब एक बार इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, फिर इसका और फिर इसका, द व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ, तो देयरफॉर यू डायरेक्टली कैन राइट, क्या लिख सकते हो बेटा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो टी थ्री ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी वन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द टेम्परेचर, मीन्स देख रहे हैं। अब यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्या बेटा कि अब यदि देखा जाए कि एरिया ऑफ दिस शेडेड एरिया अंडर द दिस कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड एरिया ऑफ अंडर दिस रिप्रेजेंटेड बाय लेट बाय दीज लाइंस, और फिर क्या और क्या और एरिया ना, देखो बेटा अब टी थ्री वाली एरिया, एरिया टी थ्री वाली ऐसे रिप्रेजेंट की जाए, तो यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त खासियत है, देखने में ग्राफ चाहे जैसा भी हो लग रहा हो, लेकिन तीनों कर्व की एरिया हमेशा ही बराबर होती है। हाँ तो एरिया तीनों की, एरिया तीनों की, तो तीनों की एरिया मतलब क्या हुआ बेटा कि ए वन बराबर ए टू बराबर ए थ्री, अंडरलाइन करिए इसको, तीनों एरिया अवश्य ही बराबर होंगे, तीनों एरिया हमेशा बराबर होते हैं, हाँ तीनों एरिया हमेशा बराबर होगा, देख रहे हैं बेटा, ये स्टीपर है तो इसकी ब्रेथ ज़्यादा है, ये और कम है इसका पीक तो इसका ब्रेथ और ज़्यादा है, देख रहे हैं, तो ये तीनों की एरिया तीनों की बराबर होगी, और एरिया बता क्या रहा है, तो अभी अभी देखें एरिया क्या बताता है, नंबर ऑफ द मालिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ द मालिक्यूल्स, चूँकि कंटेनर एक ही है, उसमें जो गैस ये मालिक्यूल्स भरे हुए वहाँ एक ही है तो बंद है ना, टेम्परेचर को अलग अलग किया गया है, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स तो बराबर होने ही है, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स तो बराबर है ही, तो तीनों के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बराबर हैं। अब दूसरी बात इससे क्या क्लियर हो रही है,
दूसरी बात क्लियर है, और है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज माइंड, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, T3 ज़्यादा है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं पीक घटता है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं पीक घटता है, मतलब क्या कि उस मॉलिक्यूल्स की संख्या घट जाती है, उस मॉलिक्यूल्स की संख्या घट जाती है, यानी देख रहे हैं ना मॉलिक्यूल पीक, उस मॉलिक्यूल यानी कि VMP का मान बढ़ जाता है। तो जब VMP का मान बढ़ेगा तो वेलोसिटी इस पर है, एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी, बेटा ये वेलोसिटी है एक्स एक्सिस पर, तो ग्राफ मेरा और ज़्यादा बढ़ेगा यानी कि VMP और दूर जाएगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेज, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेज, ओके, बट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज। देखिए ध्यान दीजिए, इसको फॉलो करने वाले जो नंबर्स है वो घट गए पहले की तुलना में, पहले देखिए यहाँ पे था इतना, इतने फॉलो कर रहे थे, अब केवल इतने हैं, अब केवल इतने हैं, ओके। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आए, हाई ऑर्डर के क्वेश्चन आए, बहुत ही हाई ऑर्डर के क्वेश्चन आए, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड, ओके, हो गया बेटा। चलिए तो इसी से डिफाइन किया गया है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सब इसी से डिफाइन किया जाता है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सारी बात है बेटा, चलो आ जाओ देखो आप। हाँ, अब है हम लोगों का वांडरवाल इक्वेशन। वांडरवाल इक्वेशन, चले तो सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो बेटा आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, वांडरवाल्स इक्वेशन, वांडरवाल्स इक्वेशन। तो वांडरवाल इक्वेशन पर जाने के पहले वांडरवाल करेक्शन क्या था, नंबर वन पे चलते बेटा, पहले करेक्शन, करेक्शन इन वॉल्यूम, करेक्शन इन वॉल्यूम। तो जैसा कि हम लोग मानते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में हम लोग क्या माने थे, हाँ बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, क्या माने थे हम लोग, हाँ बेटा यहाँ पे पहले तो लिख दिए कि इसके लिए है यार, तो फॉर रियल गैस शुरू हो रहा है अब, रियल गैसेस, वांडरवाल इक्वेशन किसके लिए, रियल गैस के लिए। हाँ बोलो बेटा, हम लोग जब काइनेटिक थ्योरी का पास्टुलेट्स पढ़ रहे थे पहले लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में, वहाँ पर क्या पढ़ा था कि जो काइनेटिक का जो गैसेस होती हैं, जो गैसेस होती हैं वह किसी भी प्रकार की गैस हो, विशेष करके पहले हम आइडियल की बात कर लें, तो आइडियल गैसेस में हम लोग क्या माने थे कि प्रत्येक गैस किससे बनी होती है, या बहुत ही छोटे छोटे टाइनी मालिक पार्टिकल्स जो बहुत ही रिजिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, हार्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, उनसे बना होता है, यह बहुत ही फास्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, हर दिशा में हर वेलोसिटी से, संभव वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, इनकी वेलोसिटी के फॉलो करने प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। अब मेन बात जो थी वह यह थी कि आइडियल और रियल में अंतर, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं लगता, फोर्स को जीरो माना गया, लेकिन रियल गैसेस, तो क्या आइडियल कोई गैस होती है, नहीं, यह कैसी गैस है, ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक गैस है, आदर्श गैस की कल्पना की गई है, आदर्श गैस की कल्पना केवल की गई है।
तो सबसे बड़ी पहचान, सबसे मेन बात क्या है आइडियल और रियल के में अंतर? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं होता और रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है। जहां पर फोर्स होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यानी कि रियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और आइडियल गैस के पास में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ये कौन सी गैस है? वांडरवाल किसको प्रूफ करने जा रहा है? वांडरवाल प्रूफ करने जा रहा है रियल गैस को। तो पोटेंशियल एनर्जी लेनी होगी या नहीं? लेनी चाहिए, यहाँ जरूरी है। लेकिन वांडरवाल ने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी को कहा कि लेटेस्ट कंसीडर दिस इज द मच लेस एंड देयरफॉर निगलेक्टेड। तो पोटेंशियल एनर्जी ना एनर्जी क्या हुआ? निगलेक्टेड। मीन्स कि इसको पहले ही इसने कह दिया कि पोटेंशियल एनर्जी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, उसको निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने के बाद क्यों कहा कि वेरी स्मॉल, दिस इज द वेरी स्मॉल, तो उसने निगलेक्ट किया। तब आगे अब क्या बोला? चलिए भाई अब पोटेंशियल का चक्कर छोड़ दीजिए, अब आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस में हम लोगों ने माना था कि जो मॉलिक्यूल होता है उसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, मॉलिक्यूल की साइज बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है। और किसी कंटेनर में एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो यह माने थे हम लोग चूंकि उसकी साइज बहुत ही छोटी है, किसमें? आइडियल गैस के लिए, चूंकि उसकी साइज बहुत ही छोटी है तो इसलिए यदि कंटेनर का वॉल्यूम वी हो कंटेनर का वॉल्यूम, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम उसको मिलेगा मूव करने के लिए। मीन्स क्या कि सिंस क्या लिए थे हम लोग, सिंस या ऐसे लिख दिया जाए कि इन आइडियल गैस पास्टुलेट्स, इन आइडियल गैस पास्टुलेट्स वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इन आइडियल गैस पास्टुलेट्स वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल टेकन वेरी स्मॉल, सो निगलेक्ट कर दिया एंड देयरफॉर क्या किया? एज्यूम्ड टोटल या होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो बेटा, होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, विल बी अवेलेबल फॉर मूवमेंट टू मॉलिक्यूल। मीन्स क्या हुआ? फिर से सुनिए, जो आइडियल गैस है उसका मॉलिक्यूल की साइज बहुत छोटी है, कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में उसका वॉल्यूम निगलेक्ट कर दिया। कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन उसका किसका, एक मॉलिक्यूल का निगलेक्ट किया। तो किसी भी मॉलिक्यूल को कितनी जगह मिल रही है? पूरा कंटेनर का पूरा वॉल्यूम मिल रहा उसको, तो वॉल्यूम को भी लिया गया। लेकिन जब रियल गैस में चूंकि जब देखा गया तो रियल गैस में, फॉर रियल गैस वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी निगलेक्टेड। तो अब वांडरवाल कहता है कि जो एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को निगलेक्ट किया गया है रियल गैस में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो देखिए, तो इन रियल गैस, इन रियल गैसेस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ना
हैड नॉट निगलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? जब आइडियल गैस पी वी इक्वल टू आर टी प्रूव किया जा रहा था तो प्रेशर ज्यादा ले लिया गया था ना। ये क्या शो किया कि प्रेशर, प्रेशर क्या आ रही है बेटा, वॉल्यूम की बात हो रही है अभी, वॉल्यूम बेटा। तो क्या हुआ कि वॉल्यूम ना टेकन मोर हो गया बेटा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि जब हम लोग पहले आइडियल गैस वाले केस में हम लोग वॉल्यूम ज़्यादा ले लिए थे। हाँ, नोट करिए, एक बार फिर से देख लीजिए, सुनिए, करेक्शन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में करेक्शन करने जा रहे बेटा, करेक्शन इन वॉल्यूम। इन आइडियल गैस पास्टुलेट्स वॉल्यूम ऑफ गैस मालिक्यूल टेकन वेरी स्मॉल सो निगलेक्टेड, सो निगलेक्टेड एंड देयरफॉर एज्यूम्ड होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द टू द मालिक्यूल, यानी कि पूरा का पूरा कंटेनर ना घूमने के लिए पर्याप्त है उसको, ये माना। जबकि रियल गैसेस के लिए एक्चुअली क्या होना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि इनके बीच होता है तो पूरा वॉल्यूम कहता है वंडरवाल कि अवेलेबल नहीं होगा। जो पहले आइडियल गैस के केस में माना गया और ज़्यादा ले लिया गया है उसको कुछ कम करना होगा। तो इसने प्रूफ किया, वह प्रूफ नहीं चाहिए आपको, प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो उसने प्रूफ किया कि कितना कम होना है, तो वह करेक्शन किया। हाँ बेटा, नोट करिए पहले इसको, हो गया। आइए हाँ देखो बेटा, मीन्स कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये गैसेस मॉलिक्यूल है ना, गैसेस मॉलिक्यूल है, ये पूरा वॉल्यूम भी है और इसका वॉल्यूम स्मॉल भी है। तो कह रहा है कि वी मच मच ग्रेटर देन टू, तो वी निगलेक्टेड, ये किस में, आइडियल में, आइडियल केस में। लेकिन रियल में अब क्या होने जा रहा है, रियल गैस में क्या हुआ, कहा कि करेक्ट वॉल्यूम कुछ कम होगा, करेक्ट वॉल्यूम ना विल बी सम लेस। तो वंडरवाल करेक्शन करके कहता है बेटा कि ये होगा वी माइनस बी, जहां पर बी क्या है, तो बी इज कांस्टेंट, अभी बाद में लिखा जाएगा, बी इज द कांस्टेंट। ओके, तो ले दीजिए कि जहाँ पर b इक्वल टू कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, जो नेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, डिपेंड लिख दीजिएगा वहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। हो गया बेटा, तो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो कितना कम कर दीजिए, कहता है बी, बी कम करिए, व्हाट इज बी, वह पूरा कैलकुलेशन के बाद प्रूफ करके निकाला है जो आपको प्रूफ नहीं करना है। तो कहता है कितना कम कर दीजिए, तो कहता है बी, और बी क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, यानी कि डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होगा, हाँ, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, डिपेंड्स ऑन द इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ द गैस, ओके, तो नेचर पर डिपेंड करेगा। तो करेक्ट वॉल्यूम हो गया अभी, अब बात रही प्रेशर का, कहा कि प्रेशर में भी करेक्शन करना होगा, कहा कि प्रेशर सही नहीं लिया गया है, क्या प्रूफ किया प्रेशर के लिए, आइए देखते हैं। हो गया वॉल्यूम में करेक्शन हो गया, अब आइए अब प्रेशर में, करेक्शन इन द प्रेशर, नंबर दो पे आ जाइए। करेक्शन इन द प्रेशर, देखो बेटा
हाँ नंबर दो कर दीजिए, करेक्शन इन प्रेशर। कहता है कि प्रेशर ज्यादा ले लिया गया है। हाँ ना, प्रेशर कम लिया गया, वॉल्यूम ज्यादा था बेटा। प्रेशर कहता है कि प्रेशर कम ले लिया गया। क्यों क्यों कम ले लिया गया? देखिए, जब रियल मॉलिक्यूल था, जैसे मान लीजिए एक एक मॉलिक्यूल है यार, ये जा करके दीवार पे टकराया है ना, देखिए जाकर दीवार पे टकराया है, तो ये कह दिए है मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल, और जा करके इस वॉल पे टक्कर इसकी हो रही है, इस वॉल पर टकरा रहा है, तो होगा क्या? टक्कर जब होने जा रही है तो जाके टकराया। अब चूंकि मान लीजिए सपोज करें कि यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल था, यहाँ दूसरा था, यहाँ दूसरा था, यहाँ दूसरा था, यहाँ दूसरा था, तो आइडियल गैस में क्या था? आइडियल गैस में फोर्स नहीं था, तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स जब आइडियल गैस मॉलिक्यूल थे तो अगल बगल में तमाम थे, लेकिन यह जाके टक्कर करने जा रहा था जब, तो इसको बचाने वाला कोई नहीं था कि टकराओ मत, रुक जाओ। हाँ आइडियल में ये सब आइडियल लोग हैं, कोई नहीं बचाता, इसको जाके टक्कर किया। तो अब ये मास इसका कितना था? एम। वेलोसिटी कितनी थी? वी एक्स। तो जाके टकराते समय क्या हुआ? एम वी एक्स, लीनियर मोमेंटम। वापस आया माइनस एम वी एक्स। चेंज कितना? माइनस टू एम वी एक्स। ट्रांसफर कितना? प्लस टू एम वी एक्स। तो फोर्स कितना? तो प्लस टू एम वी एस अपॉन डेल्टा टी। प्रूफ है ना, पीछे वाले एपिसोड में सब प्रूफ है, एपिसोड नंबर वन में है, सब प्रूफ है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है सब। अब तो जब देखो, तो यानी कि जब ये टक्कर कर रहा था तो किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं था, ये अपने मन से टकराया, वापस आया, चाहे जो भी किया। ऐसे यह भी टक्कर करेगा तो इसको भी कोई आगे पीछे नहीं है बचाने वाला। ऐसे ये भी, ऐसे ये भी, ऐसे ये भी, सब ऐसे ऐसे, कोई किसी को बचाने वाला नहीं था। कब? जब आइडियल था तब। तो जो इक्वेशन प्रूफ किया गया था पी वी इक्वल टू आर टी, तो पी वी इक्वल टू, तो यहाँ प्रूफ करने पर मिला पी वी इक्वल टू आर टी, आइडियल इक्वेशन ना, आइडियल गैस में मिला था। ओके, लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए, अब इसको कल्पना किया जाए कि यह रियल गैस है। चलिए ये आइडियल के लिए हो गया बेटा, आइडियल गैस। अब हम दूसरा डायग्राम ले लेते हैं, देखिए ना, अब यहाँ रियल गैस ले लेते हैं। तो रियल गैस में देखिए एक मॉलिक्यूल था, वही मॉलिक्यूल वही चीज़ यहाँ लेते हैं। अब ये टक्कर होने जा रहा है इस वाल पर, इसके बगल वाले देखिए क्या करते हैं। हाँ देखिए, मान लीजिए सपोज करिए कि इसके बगल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो रियल गैस का जब टक्कर करने मॉलिक्यूल जा रहा होता है, तो चूंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स लगता है। तो जिस समय टक्कर हो रहा था उस समय हो क्या रहा था? देखिए इधर जा रहा टक्कर होने के लिए, तो ये वाला भी इसको अपने तरफ खींच रहा था, ये वाला भी खींच रहा था, ये वाला भी खींच रहा, जो जहाँ पर है वहीं से देख रहे हैं, सब अपने तरफ खींच रहे थे ना, देख रहे हैं, सब अपने तरफ खींच रहे थे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रियल है, रियल गैसेस के बारे में उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यही तो डिफरेंस है बिटवीन, यही तो डिफरेंस है बिटवीन रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। तब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रियल गैस में वास्तव में क्या होगा, जो टक्कर लगती है वो कम हो गई, कि नहीं टक्कर भाई खींच, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये सामने दीवार है और मैं दौड़ के जाके टकरा रहा हूं, और आप यहां क्लासरूम में हैं, हाँ एक मालिक क्लासरूम है, आप 10 स्टूडेंट अगल बगल मेरे हैं, और मैं दौड़ के जाके टक्कर करने जा रहा हूं, दीवार पे टकरा रहा हूं, मेरा मास एम है, वेलोसिटी मेरी वी है, और मैं तो लीनियर मोमेंटम का है एम वी, मैं जाके दीवार पे टकराया, किस वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से। तो कितना लीनियर मोमेंटम मेरा है, रेखीय संवेग कितना मेरा है? एम गुड़े वी, वेलोसिटी एम वी, टक्कर वी, जाके टकराया, और सपोज कर टक्कर खाकर फिर उसी वेलोसिटी से वापस आया,
तो अब आते समय चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, जब जा रहे थे तो प्लस था बोले हैं, तो आएंगे तो माइनस बोलना पड़ेगा। तो जा रहे थे तो एम वी, आ रहे थे तो माइनस एम वी। व्हाट इज द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम? रेखीय संवेग में परिवर्तन क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स माइनस एम वी माइनस एम वी माइनस टू एम वी माइनस टू एम वी इज द लीनियर चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द माय बॉडी। हुआ तो हमने कितना ट्रांसफर किया दीवार पर, दीवार को कितना मिला? जितना माइनस हमारा हुआ उतना ही दीवार को मिला, यानी प्लस पॉजिटिव हाउ मच? टू एम वी। एंड दैट इज द काज ऑफ द प्रेशर। इसी के कारण दीवार पर प्रेशर लगा। पहले लगा फोर्स, अब फोर्स अपन एरिया करेंगे, दीवार की एरिया से डिवीजन कर दीजिए। तो दीवार की एरिया से डिवीजन करें तो क्या निकल जाएगा? फोर्स। क्या निकलेगा? फोर्स निकल गया। फोर्स कितना लगा? अच्छा फोर्स या नहीं, पहले सुनिए फिर से। तो लीनियर मोमेंटम निकल गया। अब लीनियर मोमेंटम एफ बराबर फोर्स बराबर कितना हुआ? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कि हम कितना देर तक उसके कांटेक्ट में रहे हैं दीवार के, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा देर रहेंगे तो ज़्यादा इम्पल्स क्रिएट होगा, कम देर रहेंगे तो कम इम्पल्स क्रिएट होगा। तो कितना देर तक रहे, तो जितना देर तक रहेंगे, जितना देर तक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जितना देर तक संपर्क में रहेंगे तो उतना ही कम फोर्स लगेगा। इसलिए खिलाड़ी जब बाल को कैच करता है ना, तो क्या करता है? अपने हाथ को पीछे खींचता है। क्योंकि हाथ में संपर्क जब होने जा रहा होता है तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए हाथ को पीछे खींचता है। एंड सीधे इसे हाथ लगा देता तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ही कम होगा। तो डेल्टा टी का मान होगा कम, तो फोर्स लगेगा ज़्यादा, क्योंकि एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा, एफ बराबर फोर्स बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा तो फोर्स कम। तो खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ को इसलिए पीछे खींचता है ताकि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट डेल्टा टी बढ़ जाए। तो जब ये बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा हैंड पर। ओके फिलहाल अब यहाँ पे आ जाओ बेटा फिर से। तो देखो, तो अब यहाँ पर देख रहे ना, तो आइडियल गैस में इसको आइडियल गैस का बिहेवियर देख रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ पर आप डेल्टा पी डेल्टा टी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, तो जो कैलकुलेटेड फोर्स आया था, मान लें कि यहाँ पर प्रेशर आया पी ना, यहाँ पर प्रेशर आया पी कोलिजन के कारण ना, प्रेशर ड्यू टू कोलिजन ऑन द वॉल। तो मान सपोज करें कि यहाँ पर प्रेशर पी था, यदि यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाए तो चूंकि ये सब खींचे हैं पीछे ना, तो इनके कारण क्या हुआ? यहाँ अब जो प्रेशर क्रिएट हुआ बेटा, P डैश मान लो तो इससे कम हो गया ना, तो P डैश लेस देन P हुआ। यानी P डैश क्या हुआ बेटा? P रियल प्रेशर क्या हुआ? P यहाँ रियल कर दिया जाए और यहाँ पे आइडियल। ओके आइडियल, तो रियल प्रेशर कम होगा, देख रहे P रियल में वो कम हो गया आइडियल से। अब इस कमी को पूरा करने के लिए वहाँ को जोड़ना पड़ेगा। इस कमी को पूरा करने के वान डर वाल कहता है कि अब यह सो इसको कितना जोड़े कि बराबर हो जाए, वह कमी पूरी हो जाए। उस कमी को पूरा करने के लिए प्रूफ किया रिजल्ट। अब प्रूफ के बाद क्या देता है बेटा? कहता है कि जो पी रियल होगा वह जितना पहले पी था आइडियल का ना, जितना था ए अपान वी स्क्वायर। प्रूफ करने पर रिजल्ट आता है ए अपान वी स्क्वायर, वी वालों कहता है कि ये वैल्यू होगी। मीन्स कि ए बाई वी स्क्वायर यदि ए बाई वी स्क्वायर पी में यदि जोड़ दे हम ए बाई वी स्क्वायर, तो ये वैल्यू करेक्ट हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ओके हाँ, अच्छी तरह से बना लीजिए सब कुछ। करेक्शन इन प्रेशर, तो अब दो बातें क्लियर हुई हम लोगों की। क्या क्या? देखिए अब आया दो चीजें आई, करेक्ट वॉल्यूम वी, वी बराबर वी माइनस, यानी कि यहां वी रियल कर दिया जाए, रियल वी माइनस वी हो गया। और नंबर दो, नंबर एक, नंबर दो करेक्ट प्रेशर
मीन्स कि P रियल कर दें, करेक्शन के बाद रियल में क्या आया, अब कहता है कि A अपॉन V स्क्वायर आया। अब कहता है बेटा कि अब यह जो V रियल की वैल्यू आ रही है, या रियल हटा दें शब्द V डैश कर देते बेटा, मीन्स V डैश और ये P डैश, अब जो वैल्यू आई ये करेक्ट वैल्यू है, इसको पुट कर दीजिए कहाँ, जो रियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन है। तो सिंस पी वी इक्वल टू आर टी, नाउ पुट इन द वैल्यू ऑफ पी, पी वैल्यू रखिए बेटा, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, दिस इज द वंडरवॉल गैस इक्वेशन बेटा, दिस इज द वंडरवॉल इक्वेशन, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। हाँ, अच्छी तरह से बना लीजिएगा, अट्रैक्शन के कारण फोर्स प्रेशर कम लगा, फोर्स कम लगा, फोर्स कम लगा, उसको बैलेंस करने के लिए प्रूफ किया गया कि ए बाई भी स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो वह करेक्ट हो जाएगा। हो गया, चले आ जाइए। तो क्या पढ़ रहे थे, वंडरवॉल इक्वेशन क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। हो गया, अब आ जाइए, चलो ठीक। तो अब है पॉइंट हम लोगों का, वंडरवॉल इक्वेशन और लिक्विफिकेशन ये क्या होते हैं। चलो ठीक, देखो तो वंडरवॉल्स इक्वेशन क्या मिला हम लोग को, फाइनली क्या मिले हम लोगों को, फाइनली क्या मिला बेटा, पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर ना वी माइनस वी इक्वल टू आर टी, यानी कि पी का करेक्ट मान रख दिया गया, वी का करेक्ट मान रख दिया गया, बन गया वंडरवॉल इक्वेशन, किसके लिए, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर जानते हैं और किसके, आप कहाँ चला जाए, क्या पढ़ रहे हैं, 300 फिजिक्स, ओके। तो सारी चीज़ें क्या क्या क्यों कैसे, ओके, चलिए और आगे बढ़ा जाए। अब हम चलते बेटा, हेडिंग है हम लोगों की लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है ना बेटा, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। चलो देखो, तो अब ले लिया जाए कि लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैसेस, सीधे सीधे शब्द दिया गया बेटा, रियल गैस से ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, रियल गैसेस, ठीक, यानी कि आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन कदापि नहीं हो सकता। तो आइडियल गैस, आइडियल गैस कैन नॉट लिक्विफाई, वाई, बिकॉज देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। तो आइडियल गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। और जब आप लिक्विड की बात करेंगे, कोई गैस है मान लीजिए, किसी सिलेंडर में बंद कर दीजिए, कर दिया, उसको कूल कर दीजिए, टेम्परेचर उसका डाउन करिए, टेम्परेचर डाउन कर दीजिए, करिए और करिए और करिए और करिए, जहाँ तक हो पाए वहाँ तक करिए, कर दिया। अब प्रेशर बढ़ाइए, तो टेम्परेचर कम है, तो जब टेम्परेचर कम है तो गैस की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उनकी वेलोसिटी कम होगी, और जब वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होना गैसियस नेचर है,
अब वेलोसिटी कम होना यह सॉलिड का नेचर है और वेलोसिटी इंटरमीडिएट हो यानी सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा हो, गैस से कम हो, गैस से बहुत कम हो, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा हो तो वह लिक्विड का नेचर है। तो इसीलिए गैस, इसलिए लिक्विड का मॉलिक्यूल फ्लो करता है, फ्लो मीन्स पानी बहता है, फ्लो करता है, लेकिन अपने अगल बगल के सबको लेकर करता है, इसीलिए लिक्विड बहता है ना, फ्लोइंग ऑफ द लिक्विड। जब वही बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो जाता है, मेटालिक बॉन्ड से बिल्कुल ही बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके बीच हो जाती है, मेटालिक बॉन्डिंग उनके बीच हो जाती है, यानी कि बहुत ही कंडेंस हो जाता है जैसे आइस, तो सॉलिड बन जाता है। जब सॉलिड को हम लोग हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो बॉन्ड टूट जाता है, तब मालिक्यूल फ्री हो जाते हैं, मालिक्यूल फ्री हो जाता है तो लिक्विड स्टेट में आ गया। अभी और एनर्जी दूँ और हीट करूँ उसको तो वेपर बन जाएगा, और वेपर जो बना हुआ है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसका और टेम्परेचर जो निकाल दूँ उसमें से, यानी कि हीट निकाल दूँ इस वेपर का, वो फिर लिक्विड बन जाएगा। दिस इज द स्टेट। हम लोग पढ़ेंगे अभी कैलोरीमेट्री बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आएंगे वहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलोरीमेट्री है। अभी क्या क्या है अभी पढ़ाना हमको यहाँ पे बेटा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़े हैं हीट में। नंबर वन, पहला ट्रांसफर ऑफ हीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब का है सब कुछ, अच्छी तरह से पढ़ डाले यहाँ पे। चार एपिसोड वहाँ पे आ चुके हैं, अभी पाँचवा छठवां एपिसोड आएगा, यानी कि पूरी थ्योरी और कुछ बहुत न्यूमेरिकल्स, पूरी थ्योरी और मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं आपके, और बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो IIT एडवांस वगैरह लेवल के हैं, बस वही बचे हुए हैं। यहाँ पर यह काइनेटिक थ्योरी है, अभी थ्योरी चल रही है बेटा, थ्योरी आज एक एपिसोड हो सकता है और हो, थ्योरी के बाद तो न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा, काइनेटिक थ्योरी के पूरे न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल्स। चैप्टर भी कौन है इसमें बचा हुआ हम लोग हीट में, तो हीट वाले सेक्शन में हम लोग का जो चैप्टर है हमको क्या पढ़ाना बेटा, आज के डेट के बाद अभी हमको क्या पढ़ाना है, तो आज के बाद हमको पढ़ाना है थर्मामेट्री, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मोडायनामिक्स और रेडिएशन। रेडिएशन भी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, तो रेडिएशन पढ़ेंगे हम लोग, तो रेडिएशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरह जहाँ पे है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग वगैरह जहाँ पर बेटा अभी वो पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जानते हैं, हर साल इस साल भी क्वेश्चन वही आया है जो मैं पहले ही बता दिया था, एग्जाम के 24 घंटे के पहले बताया था क्या क्या आएगा, उसी में से 100% न्यूमेरिकल फंसा हुआ। गैस वाला चैप्टर देखिएगा, गैस यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले दो दिन पहले का वीडियो देखिएगा, और फिर जो एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको टैली कराइएगा, दो दिन पहले ही सब बता दिया हूँ क्या आएगा, फिर साल यही होगा है कि नहीं। ओके बेटा, लेकिन टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक बेटा कि आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन संभव नहीं है, आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं लिक्विफाई, क्यों, क्योंकि उनके बीच में गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं है, तो जब फोर्स नहीं है तो बॉन्ड कैसे बनेगा, जब बॉन्ड नहीं रहेगा उनके बीच में तो हमेशा गैसियस स्टेट में रहेगा, जब बॉन्ड नहीं होगा उनके बीच में, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, जब बॉन्डिंग नहीं होगी तो हमेशा गैसियस स्टेट में रहेगा, मीन्स कैन नॉट लिक्विफाई, यानी लिक्विफाई या नहीं किया जा सकता। तो लिक्विफिकेशन हमेशा किसका होता है, लिक्विफिकेशन हमेशा रियल गैस का होता है, इसलिए देखिए अंडरलाइन किया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रियल गैस का लिक्विफिकेशन होता है, कभी भी आइडियल का लिक्विफिकेशन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल नेचर गैस, रियल गैसेस आइडियल नेचर कब शो करती है, पी याद करवाया हूँ लास्ट वीडियो में, PLTH यानी आइडियल नेचर, ध्यान दीजिए बेटा आइडियल नेचर, तो आइडियल नेचर क्या है हम लोग का, पी क्या होना चाहिए, एल, टी क्या, एच, यानी प्रेशर लो टेम्परेचर हाई होना चाहिए ना, लो प्रेशर, हाँ लिख दीजिए लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दिस इज द आइडियल नेचर, गैसेस बिकम्स मोर आइडियल एट अंडर दिस कंडीशन। तो अब मैं अब आपसे पूछूं कि लिक्विफिकेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, तो फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन, ध्यान देना ठीक इसका उल्टा बोलेंगे ना,
फेवरेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन, क्या कहिएगा? उल्टा बोलिए, पी एच टी एल, दिस इज द फेवरेबल कंडीशन, मीन्स कि रियल नेचर, जब रियल नेचर होगा, रियल नेचर मीन्स कि जब गैस रियल नेचर के पास होगी, रियल नेचर के करीब होगी, तो उसका लिक्विफिकेशन, जो जितना ज़्यादा रियल होगी उतना ही ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उसका लिक्विफिकेशन आसान होगा, देख रहे? तो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, पी एच जस्ट उसी का इनवर्स, किसका? आइडियल का। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, नोट करिए अच्छी तरह से, हो गया? आइए, ओके, अब चलते हैं। अब वंडरवाल इक्वेशन लिखिए, नोट कर लिया? हाँ, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है लाइनें। चलो और आगे, पी वाई, पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर, वी माइनस वी इक्वल टू आर टी, ना? पी बराबर क्या हुआ बेटा? पी बराबर क्या हुआ जब देखा जाए, तो पी बराबर मैं निकालना चाहूँ तो पहले हो गया आर टी अपान वी माइनस वी, हो गया ये नीचे गया और ये उधर गया, माइनस ए अपान वी स्क्वायर पी। अब जानते हैं कि हमको पी सॉलिड लिक्विड ना, सॉलिड लिक्विड और गैसेस, सॉलिड लिक्विड और गैसेस का हमको कंपेयर करना है, हमको इनका कंपेयर करना है, तो इनका पी वी कर्व पर ही इनका कंपेरिजन हो सकता है। कैसे होगा? आइए देखें। तो ग्राफ, बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए इसका। हाँ, तो कौन खींचा? एंड्रीज नोवा साइंटिस्ट ने, एंड्रीज कर्व, किसके लिए? फॉर CO2 के लिए, जिसका लिक्विफिकेशन बहुत ही आसान था, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा 31.1 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसी के लिए खींचा गया, CO2 के लिए और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि बाकी के भी गैसेस के लिए ना उसका क्रिटिकल टेम्परेचर माइनस में है, CO2 का रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा है, इसलिए आसानी से तो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। अब आइए फटाफट आगे बढ़ते बेटा। हाँ, अब देखिए, तो अब एंड्रीज कर्व, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, एंड्रीज कर्व, एंड्रीज कर्व फॉर CO2, ओके बेटा, एंड्रीज कर्व फॉर CO2। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां वॉल्यूम ले लीजिए, ओके, यहां पर प्रेशर, इक्वेशन सामने हम लोगों के, क्या इक्वेशन था? P बराबर कितना आया था? P बराबर आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, इसी को इक्वेशन को पी और वी के बीच ग्राफ खींचना बेटा। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो कैसा शेप मिलता है, आ जाइए। और जो मेन ग्राफ है अपना वहां चला जाए,
और ओके हाँ अब ध्यान देना बेटा। चले यहां पर अब देखिएगा ये टेम्परेचर ये देख रहे यहां पे डॉट लगाइएगा पॉइंट पी लिखिएगा क्या है पॉइंट पी या कुछ और नाम दे दिया जाए एक्स कर देता हूं तो पॉइंट देखो बेटा पॉइंट एक्स क्या है इसको कहते हैं ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और इसी को कहते हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट इसी को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ऊपर क्या है यहां से ऊपर ये फेज कौन सा है ये फेज है गैस ये क्या कौन सा फेज है बेटा यहाँ क्या दिख रहा है ये सब क्या दिख रहा है ये है गैस प्लस वेपर ना बेटा गैस प्लस वेपर सॉरी वेपर बेटा वेपर और क्या तो लिक्विड और ये क्या बेटा ये इधर ये है लिक्विड दिस इज द लिक्विड ये वेपर भी है इसमें तो यहां पर देखिए और ये यहां वेपर ज्यादा होगा वेपर अब बात रही टेम्परेचर की ध्यान देना बेटा ये सभी सभी क्या है सभी आइसोथर्मल कर्व है ना ये आइसोथर्मल कर्व का बेटा डाटा है 48.1 35 देख बेटा ये खींचा गया 48.1 डिग्री सेल्सियस पर ये है ना 31.5 डिग्री सेल्सियस पर ये है बेटा 31.1 डिग्री सेल्सियस ये है 21.5 डिग्री सेल्सियस ओके और एक टेम्परेचर बेटा नीचे वाला है वो होगा 31. देख बेटा ये है 13.1 डिग्री सेल्सियस ये सब के सब क्या है आइसोथर्मल कर्व आइसोथर्मल्स कर लिया जाए तो प्रेशर लिया यहां पर इस पे क्या लिया वालोन देख रहे हैं बेटा ये है कर्व पी और वी के बीच इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी और वी के बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो कैसा आएगा तो पी और वी के ग्राफ बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो ऐसा आएगा। अब सवाल ये है क्या कि यह क्या शो कर रहा है ना क्या शो कर रहा है आइए चलिए देखते हैं बेटा ये क्या शो कर रहा है। हाँ पहले ग्राफ बना लीजिए देखिए जानते हैं कि प्रेशर यदि बढ़ाया जाए तो लिक्विड पर क्या प्रभाव पड़ेगा गैसेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा गैसेस जो होंगी जो वेपर होगा प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा लेकिन लिक्विड का लिक्विड पर यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं अब ये बात और है कि देखो बेटा ऊपर गैसेस है ये पॉइंट इस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर लिक्विड और वेपर के बीच में हाँ पॉइंट सारे नोट करते जाइएगा सारे पॉइंट व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रांतिक बिंदु क्या है या क्रांतिक ताप क्या है बेटा हिंदी में क्रिटिकल पॉइंट क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है तो देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि CO2 था तो CO2 को पहले ठंडा किया गया
यानी कि उसे टेम्परेचर को डाउन किया गया, गैस को पहले कूल किया गया। कितना? यदि 48.1 डिग्री सेल्सियस पर जब था तब इसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, 31.5 भी था तभी स्टार्ट नहीं हुआ। कब स्टार्ट होना शुरू हुआ है? 31.1 डिग्री सेल्सियस इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा। तो इसी जो टेम्परेचर है ना, इसी को कहते हो क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसी का नाम बेटा टीसी है। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मीन्स कि यदि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है गैस का तभी वह लिक्विफाई होगी, और यदि ज़्यादा है तो लिक्विफाई नहीं होगी। अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम था, नाम दे दिया बी सी, और इसके करेस्पॉन्डिंग ना, इसके करेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर इस समय होगा, हर गैस का अलग अलग होगा, तो उसको कहेंगे पी सी और इसको कहेंगे वी सी। तो तीन बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट, टी सी, ये टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, टी सी, टी सी, देखो टी सी, तो टी सी, पी सी, वी सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब ऊपर मिटाना पड़ेगा बेटा, एंड दिस कर फॉर सी ओ टू, कुछ और बातें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे जैसे देख रहे हैं ना, टेम्परेचर जब कम है, यानी जब 13 डिग्री सेल्सियस है, 13.1 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ही कम प्रेशर लगाने पर गैस लिक्विफाई बहुत तेजी से हो रही है। देखिए यहाँ पर बहुत ही तेजी से हो रही, इतनी हो रही है, देख रहे हैं ना। जब हाँ स्टेट चेंज, ये शो कर रहा बेटा स्टेट चेंज, शो कर रहा है, स्टेट में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। जब देख रहे हैं टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, देखिए जब ज़्यादा, ये पैराबोलिक शेप होता बेटा, ये पैराबोलिक शेप बनता है, याद रहे पैराबोला शेप ना, ये शेप हमेशा पैराबोलिक होता है। देखो जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ा, तब इतना प्रेशर देना पड़ा। ज़्यादा टेम्परेचर होगा और टी सी के नीचे होगा तो गैस तो लिक्विफाई होगी, लेकिन प्रेशर ज़्यादा देना होगा। और जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होगा तब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देना होगा। तो जैसे जैसे प्रेशर हो, जैसे जैसे टेम्परेचर होगा डाउन, वैसे ही वैसे प्रेशर कम लगाना पड़ेगा लिक्विफाई होने के लिए। ओके, क्या पढ़ा है, फिजिक्स। ओके, अब देखिए हो बेटा ये सारी बातें हो गई, आ जाइए। हाँ अब यहाँ पर कुछ बातें और, हाँ चलो बेटा देखो, अब बात रही कि हम कहेंगे कि क्रिटिकल, तो यहाँ पर ये जो ना क्रिटिकल पॉइंट क्या कह रहे हैं, आप पहले इसको डिफाइन कर दिया जाए। आइए क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पर क्या हुआ, तो द मीन्स वह टेम्परेचर, द टेम्परेचर, या ऐसे कर दे बेटा पहले पॉइंट है ना। चलो तो क्या हम क्या देखने जा रहे हैं, पॉइंट एक्स, क्रिटिकल पॉइंट एक्स, क्या डेफिनेशन इसका, द पॉइंट, द पॉइंट एट आइसोथर्मल, द पॉइंट एट आइसोथर्मल पर, किसी भी आइसोथर्मल का वह बिंदु, एट विच, एट विच क्या क्या होगा, नंबर वन डिमार्केशन बिटवीन वेपर एंड लिक्विड डिसअपीयर,
मीन्स कि वह बिंदु, जिस बिंदु पर डिमार्केशन बिटवीन वेपर, देखिए वेपर, वेपर और लिक्विड के बीच का जो लाइन अलग करती है वह डिसअपियर हो जाएगी। ऐसा जब होगा तो पक्का है कि डेंसिटी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी बिकम्स इक्वल, डेंसिटी इक्वल हो जाएगी, यानी कि जहाँ पर वह बिंदु, जिस बिंदु पर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द वेपर, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि उसे कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ये वाला है, दिस इज एक्स। ओके, हाँ और आगे और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा देखो। अब यही गैस भी है ना, यही वेपर भी है ना, यहीं पर लिक्विड भी है ना, तीनों एक बिंदु पर मिल जाएंगे। तो कौन कौन, गैसेस, वेपर एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट बेटा। तो वेपर, गैस, लिक्विड कोएग्जिस्ट, तीनों उस बिंदु पर टच करेंगे। देख रहे हैं इधर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन बेटा, गैस नीचे, वेपर ये, लिक्विड ये, वेपर और लिक्विड का मिक्स होता है। तो ये इधर लिक्विड, प्योर लिक्विड, दिस इज द मिक्स इस पैराबोला के अंदर ऊपर। अब ये ऊपर वाला गैस क्यों है, ऊपर वाला गैस क्यों है, नीचे वाला वेपर क्यों है? तो जब टेम्परेचर इसका देखिए 31 से ज़्यादा है ना, तो देखिए ऊपर क्यों गैस है, इसलिए है क्योंकि इसका टेम्परेचर टीसी से ज़्यादा है। और नीचे वेपर क्यों है, क्योंकि इसका टेम्परेचर टीसी से कम है। तो जब कभी भी टी का मान टीसी से ज़्यादा होगा तो वह गैस रहेगा। ओके, हाँ बेटा आ जाओ, नंबर वन और नंबर टू, जब टी का मान टीसी से कम होगा तो वह वेपर बन जाएगा। कब होगा गैस, कब होगा वेपर, क्या पढ़ा है, फिजिक्स, P100 फिजिक्स। ओके, हो गया। तो यहां पर ये पोर्शन लिक्विड, ये वेपर लिक्विड मिक्स, ये गैस, तीनों कोएग्जिस्ट एट द दिस पॉइंट। क्लियर हो बेटा? अब कहोगे कि व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए अभी क्रिटिकल पॉइंट अभी आप प्रूफ कर रहे थे, अब क्रिटिकल टेम्परेचर लिखने जा रहे हैं आप। हाँ जल्दी करिए, नोट करिए इतना जल्दी से, सारी बात है। ग्राफ ऐसे बनाइएगा, इस ग्राफ पर बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगले एपिसोड में मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर अच्छी तरह से बनाइएगा इसको। हो गया, हो गया बेटा, ये सारे डाटा नोट हो गए। चलिए इसको हटा दीजिए। अब लिखना बेटा हमको कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। हाँ अब ये डाटा हटा दें, नोट कर लिए होंगे। चल अब आ जाओ, अब लिख दीजिए कि चलो अब जा जाओ, अब लिखेगा टीसी, टीसी क्या है, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता क्या है, कैसे डिफाइन कर, दिखाई तो दे रहा आपको क्या होता है। चलिए आ जाइए, लिखेंगे कैसे, द टेम्परेचर, मैं बोल दे रहा हूं, नोट करिए, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप, द टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाई बाय प्रेशर एलोन, मीन्स कि वह ताप जिसके नीचे
केवल प्रेशर लगा करके, प्रेशर बढ़ा करके गैस को लिक्विफाई किया जा सके, उसी को कहते हैं क्रांतिक ताप, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर। मीन्स एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? तो टीसी विल बी 8A/27 RV। ओके बेटा, ये प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है बेटा, प्रूफ नहीं करना आपको। तो टीसी इक्वल टू 8A/27 RV। एक बार फिर से, द टेम्परेचर बिलो विच, द टेम्परेचर बिलो विच ए गैस कैन बी लिक्विफाई बाई प्रेशर एलोन, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल, क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके बेटा, यानी किसी गैस का अधिकतम वह ताप जिसके नीचे, जिसके नीचे, जिससे कम वैल्यू पर, जिसे किसी भी कम वैल्यू पर गैस को खाली प्रेशर लगा करके क्या कर दो, लिक्विफाई कर दो। तो द टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाई बाई प्रेशर एलोन, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब बात रही बेटा पीसी क्या होता है ना, पीसी क्या होता है, तो पीसी क्या होता है बेटा, तो पीसी ए अपॉन क्या है, पीसी ए अपॉन आरवी। ए अपॉन है बेटा इसका पीसी, एक सेकेंड, पीसी हाँ ए अपॉन, हाँ बेटा ए अपॉन 27 आर में बेटा बस बी हो, बी स्क्वायर हो गया। और वी सी बराबर कितना होता है बेटा, वी सी बराबर होता है 3B। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तीनों याद रखना चाहिए बेटा। क्रिटिकल प्रेशर देखिए, तो यह जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वह होगा पीसी, इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर होगा वो होगा वीसी, और वीसी प्रूफ करने पर आएगा कितना 3B, और पीसी कितना आएगा 8A/27 B², और टीसी कितना आएगा 8A/27 RV, जहाँ पर ए और बी जानते हैं क्या है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट है। तो ए एंड बी क्या बेटा, वैन डर वाल कांस्टेंट ना, और इसमें से ए जो है, ए डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, जबकि बी डिपेंड्स ऑन नेचर। ओके, ध्यान दीजिए, ये दो लाइन है ना, छोटी मोटी किताबों में छोटे मोटे टीचर्स ये सब नहीं बताएंगे बेटा। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं, 300 फिजिक्स। ओके, हो गया। तो चलो फिलहाल आज का एपिसोड यहीं रोका जाए, हो बेटा आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं, और अगले एपिसोड में इतना तैयार कर डालिए, अगले एपिसोड में आएंगे तो फिर यहीं से कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, बैल का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है ना। अब हाँ, यहाँ पर ये बात और आपसे एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कई बार आ चुका, क्या चलिए ये हटा दिया जाए, चलो ध्यान दीजिएगा, बार बार आपके एग्जाम पूछता है कि RTC/PCVC, इसको कहते हैं ना कोफिशियंट ना बेटा, इसको कोफिशियंट बोलते हैं, तो क्रिटिकल कोफिशियंट, क्रिटिकल कोफिशियंट RTC/PCVC को बेटा क्रिटिकल कोफिशियंट बोलते हैं। यदि इसकी वैल्यू देखा जाए कितना आएगा, RTC/PCVC बराबर कितना आएगा, R into TC का मान रखिए, तो TC 8A/27 RV हो गया बेटा, अपान क्या PCVC का मान लीजिए 8A/27 B² × VC 3B, सॉल्व कर दीजिए इसी को, जो नीचे से वो नीचे से कटेगा, 27 से 27 कटेगा पक्का, एक बी से कटेगा, दूसरा जो बचा हुआ वो इसे कट जाएगा,
हो गया। और अब बचा क्या है नीचे, ए ऊपर वाला, इस ऊपर से कटेगा आर। हाँ बेटा देखो, आर आर से कैंसिल, आया क्या बराबर 8/3। 8/3 क्या मिला बेटा, हाँ आया क्या 8/3। डिवीजन कर दीजिए 2.67। तो बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि क्रिटिकल कोफिशियंट क्या होता है, तो देखिए RTC बाई PCVC बराबर कितना हुआ 2.67। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिटिकल कोफिशियंट RTC बाई PCVC। फिर से एक बार RTC बाई PCVC बराबर कितना 2.67। अंडरलाइन दिस, RTC बाई PCVC का 2.67 यानी 8/3 हो गया। हाँ नोट करें ठीक से। तो आज का एपिसोड यहीं तक, बहुत ही जबरदस्त, हाँ थोड़ा हायर स्टडी था, वन डर वाल इक्वेशन, लिक्विफिकेशन, मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ला, हाँ तो थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का था बेटा, लेकिन यही आपका रियल स्टैंडर्ड है, यही आपका रियल स्टैंडर्ड है। तो जम करके तैयार करिएगा, सारे रिजल्ट जितने भी लाइनें लिखा है आपने, मैं कहा हूँ नोट बना लीजिएगा, सब तैयार कर डालिएगा। अगले एपिसोड में जस्ट यहाँ तक हुआ है, ठीक इसके आगे शुरू करेंगे, और आगे क्या है इसके बाद देखेंगे, झमाझम न्यूमेरिकल्स फर्स्ट क्लास का, जो इतना भी एग्जाम में आया हुआ है, कोई भी इंडिया का एग्जाम आज तक जो भी हुआ है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, वो चाहे 10 एपिसोड हो, चाहे 15 एपिसोड हो बेटा, चाहे 2 एपिसोड हो, जितने न्यूमेरिकल्स आज तक आए हुए हैं IIT में, IIT एडवांस में, नीट में, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, जितने भी TGT PGT एग्जाम्स वगैरह होते हैं अलग अलग, जहाँ जहाँ फिजिक्स में जो भी आया है वो मैं सब सॉल्व करूँगा। बड़ा मजा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, है कि नहीं, थ्योरी है बेटा, यह थ्योरी है, लोग थ्योरी नहीं जानते हैं। लोग क्या करते हैं बेटा, केवल आते हैं टीचर्स, तो मैक्सिमम सब की बात नहीं करें, कुछ मैक्सिमम टीचर्स आते हैं बेटा, 2-4-10 न्यूमेरिकल आते हैं ना, हाँ अपना इधर उधर झावली मार करके न्यूमेरिकल सॉल्व के बच्चा समझता बहुत अच्छा है, अरे तुम तो ABCD नहीं जानते हो ऐसे टीचर से पढ़ करके। द बेस्ट टीचर बेटा वही है जो सबसे पहले आपका थ्योरी जीरो से शुरू करे, टॉप लेवल तक पहुंचाए, पहले थ्योरी पूरा एक्सप्लेन कर दे, पूरा एक एक सूत्र उसका अलग अलग कर दे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, और उसके बाद झमाझम आपसे न्यूमेरिकल करवाए, तब चैप्टर में मज़ा आता है ना। तो फिलहाल ठीक है, आप लकी बेटा 300 फिजिक्स पे आप जुड़े हुए हैं। ओके तो चलिए यहीं रोकते बेटा आज का एपिसोड, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, देखिएगा कुछ छूटने ना पाए, सारी बातें अच्छी तरह से, क्रिटिकल कोफिशियंट्स वगैरह क्या होते हैं सब एग्जाम में आ चुके हैं, सब हम लोग वही बातें पढ़ते हैं, एक एक लाइन वही शब्द यूज करते हैं जो कहीं एग्जाम में आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में। ओके तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं इसके बाद। तो ये था हम लोग का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का 3rd एपिसोड, और फिर मुलाकात होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 4th एपिसोड में, हम फिर मिलते हैं आपसे। ओके बेस्ट ऑफ लक बेटा।